Assalamu alaikum dear student, this video is for class 5. Now we are studying new countdown book 5, third edition. Now open up page number 14, exercise 1C. Question number 1, fill in the blanks. Number A, 720,856 multiplied by underline is equal to 720,856,000. वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू थी 720,856, इसको हमने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर आया 720,856,000. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 720,856, लास्ट में देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे आए हैं 3 ज़ीरोस. अगर हम देखें तो 10 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो 1 ज़ीरो आता है, अगर 100 से होता है तो 2 ज़ीरोस आते हैं, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो तो 1000 से ज़ीरो मल्टीप्लाई हो तो 3 ज़ीरोस आते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे फिनिला बैंक के अंदर फिल करेंगे 1000. नंबर बी, अंडरलाइन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 43,869,500. अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आई है 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी. यहाँ पे अब ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया कि 2 ज़ीरोस हैं यहाँ पे. मैंने जैसा कि अभी आपको कहा कि अगर 100 से मल्टीप्लाई हो तो 2 ज़ीरोस आते हैं, 1000 से हो तो 3 ज़ीरोस आते हैं, 10 से हो तो 1 ज़ीरोस आता है. यहाँ पे 2 ज़ीरोस हैं तो यानी 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ यहाँ पे इन्होंने शो भी कराया, लेकिन वो करेंगे वैल्यू बताएं. तब 2 ज़ीरो से वैल्यू जो जितने पर वैलिड डिजिट्स होंगे वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी. यहाँ पे देखिए 438,695 यानी 438,695 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है. नंबर सी, 45,200 मल्टीप्लाई बाय 20, वो करेंगे इस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कराएं, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखिए, हमारा आंसर आया 90,400. इफ़ 152,695 इज़ डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज, वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू को हमने 10 से डिवाइड कराया, इसका क्या रिमाइंडर आया है वो लिखिए यहाँ पे. हमने डिवाइड कराया है तो इसके बाद हमारे पास इसका रिमाइंडर आया है 15,269.5. इसी तरह ई में वो कह रहे हैं 358,800 डिवाइडेड बाय 100, इस वैल्यू को हमने 100 से डिवाइड आया है तो क्या आंसर आएगा. डिवाइड कराने के बाद हमारे पास आंसर ये आया है 3,588. अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ट्रू फॉल्स का. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब वो कह रहे हैं कि या तो बताइए इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं. नंबर ए, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट क्लोज. अब वो कह रहे हैं कि आपको राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर 2 वैल्यूज़ दी गई हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रही है, तो ये बताइए कि इनका आंसर सेम है या नहीं. यहाँ पे देखिए क्लास स्टूडेंट, देखिए कि ब्रैकेट को पहले जब भी इस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन दिया जाता है तो इसके पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, फिर बाकी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है. तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करते हैं. 9 में अगर 8 प्लस करें तो ये बनते हैं 17. 17 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 51. अब इधर राइट साइड पर आइए, 3 9 ज़ार 27 और इधर इस साइड पर ब्रैकेट में है 3 8 ज़ार 24. 27 और 24 को अगर हम प्लस करें एडिशन करें तो हमारे पास आंसर आता है 51. 51 इज इक्वल टू 51, इट इज़ ट्रू. नंबर बी, ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज. वही कह रहे हैं यहाँ पर आपको दो इसी तरह की दोबारा एक और वैल्यूज दी गई है कि ये दोनों का इन दोनों का आंसर भी सेम है. अगर सेम है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स लिखिए. 7 को 6 अगर मल्टीप्लाई करें 7 6 ज़ार 42, 42 2 ज़ार
84। अगर राइट साइड पे आइए यहाँ पे, इसी तरह अभी हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 2 12 12 7 84 84 = 84, इट इज़ ट्रू। नंबर सी, 4 × (8 − 6) - 4 × (4 − 6)। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के आंसर्स भी सेम है, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, अगर सेम है तो ट्रू आएगा। अभी देखते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 में से 6 माइनस किए, हमारे पास आंसर आया 2। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 8, इधर लेफ्ट साइड पे। अब इधर हम राइट साइड पे आते हैं, 4 × 8 आंसर होता है 32, 4 × 6 आंसर होता है 24। अब यहाँ पे बीच में हम सेंटर के अंदर हमारे पास माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का साइन है, 32 में से 24 माइनस कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास आंसर आया था 8, 8 = 8 इज ट्रू। डी, एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। वो कहना है एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, फॉल्स, क्योंकि वो लॉ जो होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है। इसी तरह वो कह रहे हैं ई में, डिवाइडिंग टू नंबर्स ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर। जब भी किसी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमेशा क्या है, रिमाइंडर्स छोड़ते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कभी, जैसे आप मसलन अगर आप 10 को 10 से डिवाइड करें तो 10 × 1 = 10 आता है और 5 रिमाइंडर बच जाता है, और अगर 10 को 20 से डिवाइड करें तो 10 × 2 = 20 आता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो इनका कहना है कि हर दफ़ा रिमाइंडर बचता है, तो इट इज़ फॉल्स। अभी हम करेंगे चूज़ द बेस्ट आंसर। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे देखिए, उन्होंने नंबर ए में दिया हुआ है 1 lakh यानी 100,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू। इस वैल्यू को अगर हम 100 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए, नंबर ए पे दिया हुआ 100, नंबर बी पे दिया हुआ है 10,000, नंबर सी पे दिया हुआ 1 crore यानी मिलियंस के ऊपर दिया हुआ, 10 million के हिसाब से दिया हुआ उन्होंने, उसके बाद दिया हुआ 1,000। तो हमारी इक्वल वैल्यू जो आएगी वो है 1,000। नंबर बी, द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स, यानी 6-digit वाला नंबर बताइए जो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, वो 100,000 होता है, 10 million होता है, 6,000 का नंबर होता है, 100 million का, देखिए 10 million का वो नंबर होता है जिनमें 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरोज आते हैं, यानी 6-digit के नंबर बनते हैं वो, ठीक है। उसके बाद नंबर सी पे आइए, एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर एडिशन। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिशन, डिवीजन, एक्सपेंशन, सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने आपसे कहा कि एडिशन के लिए यूज़ होता है। नंबर डी, 5,694 / 13। वो कह रहे हैं इस वैल्यू को हमने 13 पर डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया। अब इसको आप रफ कॉलम में आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, यानी ये जो बी में आंसर दिया हुआ है, पहले फर्स्ट में 428, सेकंड में है बी में है 438, सी में है 448 और डी में है 408। तो हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 438। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ई में 698,257 × 24, इस वैल्यू को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया है, तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1,668,168 और d है 16,758,178। तो हमारा सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास भी यही आंसर आएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 10 से 100 से और 1,000 से।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। ये कह रहे हैं कि जो आपके नंबर्स यहाँ पे दिए गए नीचे, उन नंबर्स को 10 से डिवाइड कीजिए और उनका आंसर लिखिए। नंबर है 105,322। इस वैल्यू को डिवाइड करें 10 से। आइए इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं। जी स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 1C, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। जिसने अभी अपने क्वेश्चन देखा था, नंबर है 105,322, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से। मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट यानी बड़ी वैल्यू जो होती है उसको हम ऊपर की साइड, अपर साइड पर रखते हैं, और जो छोटी वैल्यू होती है उसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले राइट साइड से मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन जो भी होती है वो राइट साइड से स्टार्ट की जाती है। मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो राइट साइड से स्टार्ट होती है। यहाँ पे देखिए, राइट साइड पे हमारे पास डिजिट आ रहा है, पहले यहाँ पे एक एक डिजिट से एक पूरी पूरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0। यहाँ पे सब जगह जीरो इसलिए आया क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर जीरो आता है। अब हमने एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर दी है तो यहाँ पे एक साइन शो करवा देंगे मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें आपको नज़र भी आ रहा है, या आप थोड़ा फोकस करके देख लीजिए। जब वीडियो आपके पास भी पहुँचेगी तो आप भी, शायद कुछ मोबाइल्स में ऑप्शन होता है फोकस करने का, तो फोकस करके देख सकते हैं। अगर नहीं भी तो यहाँ पर मैंने फोकस कर दिया, देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डिजिट है 1। आप 1 को पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 0 2 1 2 0 2 1 3 0 3 1 5 0 5 1 0 0 0 1 1 0 1। अब हमने दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करा दिया पूरी पूरी रो से। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब टोटल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को, आंसर्स को आपस में, उनके अमाउंट्स को टोटल किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। पहले ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास 0 है, नीचे वाली में 105,322 है। अब राइट साइड से हम एडिशन करेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसी तरह 0 में 2 प्लस करेंगे फिर 2 है, 0 में 3 प्लस करेंगे 3 रहेगा, 0 में 5 प्लस करेंगे 5 आएगा, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 रहेगा, और 1 का 1। अब हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आया हमारे पास 1,053,220। ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास 793,500। इसको हम भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसी तरह 0 को पहले फर्स्ट रो से और फिर 1 को फर्स्ट रो से फुल रो से यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 7 0 0। वन टाइम मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन शो हुआ है, इसी तरह आप भी साइन शो करेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट टाइम 1 से करेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 5 1 3 0 3 1 9 0 9 1 7 0 7। अच्छा, डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे, जहाँ पर हमारे पास डिजिट फुल हो जाएंगे वहाँ पे हम एक्स आगे डिजिट लगा देंगे, किसी के साथ डिजिट नहीं लिखेंगे। यानी 9 के साथ 7 मिला देंगे, 9 के साथ 3 मिला दें, इस तरह नहीं करेंगे। एक डिजिट के नीचे एक डिजिट रखेंगे, यानी ऊपर वाले डिजिट अगर 0 है तो उसके नीचे 3 आएगा, ऊपर 0 है कुछ भी है तो उसके नीचे 9 आएगा। ठीक है। इसी तरह दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, इसको ऐड करेंगे। 0 में 0 प्लस करिए, 0 में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0 में 0 प्लस किए 0, 0 में 0 प्लस किए 0, 0 में 5 प्लस किए 5, 0 में 3 प्लस किए 3, 0 में 9 प्लस किए 9, 0 में 7 प्लस किए 7। ठीक है। एडिशन के बाद हमारे पास आंसर आया है 7,935,000। बस ठीक है, क्योंकि आगे जीरो से और कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर सी जो है ये भी इसी तरह ही होगा, पूरा 10 से मल्टीप्लिकेशन होगी। एक दफ़ा फोकस यहाँ पे मैं फोकस कर देता हूँ, जब आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है या आप देख लीजिए। इसी तरह इसको भी आप करेंगे। अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय 100।
जी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए, इनको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। नंबर है 45,018, उसके बाद नंबर बी है 920,000, उसके बाद नंबर सी है 764,132। इनको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके आंसर्स भी अभी इसी तरह लिखेंगे। जी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45,018, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे उसी तरह बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ वहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट थे, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैंने और फोकस कर दिया, पहले 0 को फर्स्ट रो से करेंगे, फिर सेकंड 0 को करेंगे, फिर 1 को पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों के आंसर्स को ऐड करेंगे। 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 मल्टीप्लिकेशन होगी वन टाइम, साइन शो करेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0। सेकेंड टाइम भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 मल्टीप्लिकेशन साइन शो कर देंगे। वहाँ पे अभी हमने 2 डिजिट से की थी तो इसलिए एक दफ़ा साइन शो किया था, क्योंकि एक दफ़ा की तो सेकेंड दफ़ा करने के लिए वहाँ पे हमने एक साइन शो कर दी। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट टाइम की यहाँ पे साइन शो किया, अब सेकेंड टाइम कर दिया तो यहाँ पे सेकेंड 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थर्ड टाइम हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 से 1 8 0 0 0 1 5 5 1 4 4। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, जिस तरह हमने पहले 2 वैल्यूज़ को ऐड किया था इसी तरह इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0 के यहाँ भी 0 के नीचे कुछ नहीं है, सेकंड वाले में भी 0 आ जाएगा। 0 में 8 प्लस किए 8, 0 में 1 प्लस किए 1, 0 में 0 प्लस किए 0, 0 में 5 प्लस किए 5 और 4 का 4। तो हमारे पास आंसर आ गया, पहले था 45,018, अब ये हो गया 400, यानी ये हो गया, यानी आप ये समझ लीजिए 4,501,800। ये हमारे पास आंसर आया। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे 920,000, इसका भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा काम नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। जी क्लास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6C जो है, ये थोड़ा सा इसमें डिजिट काफ़ी सारे हैं तो अभी इनको करके देखते हैं। 764,132, इनको मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ पे और फोकस जैसे कर देते हैं, ये देखिए पहले 0 को फर्स्ट 0 को हम फर्स्ट रो से यानी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड 0 को भी करेंगे, फिर 1 से करेंगे। 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 6 0 0 7 0। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 0 को किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है। हमने 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर दी है तो सेकंड लाइन में 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन का साइन शो कर देंगे, फिर सेकंड टाइम करेंगे 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 6 0 0 7 0। ठीक है, अब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर ली है यहाँ पे तो थर्ड लाइन में 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन का साइन शो कर देंगे। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह डिजिट के नीचे डिजिट लिखा हुआ है इसी तरह आपने भी डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है ताकि आपका आंसर प्रॉपर आ सके। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को, 1 2 0 2 1 3 0 3 1 1 0 1 1 4 0 4 1 6 0 6 1 7 0 7। ठीक है, अब 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई, इनको ऐड करेंगे। 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 आ जाएगा, सेकंड 0 में भी कुछ नहीं है तो 0 का 0 आ जाएगा। 0 में 2 प्लस किए 2, 0 में 3 प्लस किए 3, 0 में 1 प्लस किए 1, क्योंकि कुछ 0 नहीं है तो वहाँ पे 1 ही आएगा। 0 में 4 प्लस किए 4, 0 में 6 प्लस किए 6 और 7 का 7। तो ये हमारा आंसर आया, पहले हमारे पास वैल्यू थी 764,132, अब हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गई है
76,413,200 ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, पेज नंबर 14 पे ये हमारा ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। नंबर ए 618,500, इस वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर बी 200,189, इस वैल्यू को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और नंबर सी 321,123, इस वैल्यू को भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए 618,500 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करने लगे। ये भी बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे भी जैसे हमने 10 से की 100 से की, वहाँ पे 2 डिजिट से फिर 3 डिजिट्स और अब हैं 4 डिजिट्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने और फोकस से कर दिए। यहाँ पे भी पहले जीरोस को पूरी वैल्यू से करेंगे, फिर सेकंड जीरो को भी और फिर थर्ड जीरो को भी। 00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 0
वन टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, यहाँ पे वन साइन शो होगा, सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड थर्ड रो में टू साइन शो होंगे, और थर्ड टाइम करने पर फोर्थ लाइन के ऊपर ये थ्री साइन शो होंगे। उसके बाद फिर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को, वन जीरो ज़ा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन फाइव ज़र फाइव, वन एट ज़र एट, वन वन ज़र वन, वन सिक्स ज़र सिक्स। यहाँ पे देखिए डिजिट के नीचे डिजिट है, जहाँ पे ऊपर डिजिट ख़त्म हो रहे हैं उनके आगे डिजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे यानी फर्स्ट लाइन पे सिक्स डिजिट थे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आने की वजह तो यहाँ पे फाइव आए हैं, तो एक डिजिट हमने आगे लिखा। इसी तरह सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे भी इसी तरह आगे, इसी तरह फोर्थ लाइन पे भी वैल्यू आगे जाएगी। अब इन फोर वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, जीरो के नीचे कुछ नहीं ज़ीरो आ जाएगा, सेकंड जीरो के नीचे में ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किए ज़ीरो, थर्ड जीरो में ज़ीरो ज़ीरो में प्लस किए ज़ीरो, इसी तरह फोर्थ वाली लाइन में ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किए ज़ीरो, फिफ्थ वाली लाइन में ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किए ज़ीरो, सिक्स्थ वाली लाइन में ज़ीरो में फाइव प्लस किए फाइव, ज़ीरो में एट प्लस किए एट, ज़ीरो में वन प्लस किए वन, और सिक्स का सिक्स। पहले हमारे पास वैल्यू थी 618,500, अब हमारे पास वैल्यू बनी है 61,085,000। यहाँ पे हमारे पास एडिशन करने के बाद वैल्यू आई है 61,085,000, यानी 100,000 मीन्स लैक, यानी अगर आप हमारी लोकल लैंग्वेज में से इसका आंसर देखेंगे तो ये बनेगा 61 करोड़ और बनेगा 85 लाख। ठीक है, इसी तरह इनका बी पार्ट भी देखते हैं। वैसे इंटरनेशनल में है ये 61,085,000 पार्ट बी 200,189। ये भी हम इस वैल्यू को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने पहले सब लाइन वाइज जीरोस को मल्टीप्लिकेशन की है। पहले वन टाइम वन ज़ीरो, फर्स्ट ज़ीरो को पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड रो के लिए फर्स्ट एक दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो यहाँ पे साइन शो होगा, सब में ज़ीरो आ जाएंगे। फिर थर्ड टाइम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का साइन शो होगा, क्योंकि हम दो दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं तो दो दफ़ा जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो शो करेंगे। फिर थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी सब ज़ीरो आ जाएगा। फिर आगे अब थ्री टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगी तो थ्री साइन शो करेंगे फोर्थ लाइन के अंदर। अब फिर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन नाइन ज़र नाइन, वन एट ज़र एट, वन वन ज़र वन, वन ज़ीरो ज़र ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़र ज़ीरो, वन टू ज़र टू। अब इन फोर वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ज़ीरो में ज़ीरो, सेकेंड लाइन में भी ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा, थर्ड लाइन में भी ज़ीरो है ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो में नाइन प्लस किए नाइन, ज़ीरो में एट प्लस एट, ज़ीरो में वन प्लस किए वन, ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किए ज़ीरो, ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किए ज़ीरो, और टू का टू। पहले बार हमारे पास वैल्यू थी 2180।
अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एडिशन करने के बाद वैल्यू आई है 200,189,000, ठीक है। इसी तरह आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी में 321,123 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरह होगा, जीरो को फर्स्ट रो से करेंगे तो सारे आंसर्स में हमारे पास जीरो आएगा। वन साइन मल्टीप्लिकेशन का सेकंड लाइन में शो करेंगे, फिर सेकंड टाइम हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो आ जाएगा। अब हमने टू टाइम मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो टू साइंस शो करेंगे, फिर थर्ड टाइम जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब थ्री टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगी, अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, 1 2 2, 1 1 1, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3। अब इन फोर वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, फर्स्ट लाइन में जीरो है तो जीरो आ जाएगा, सेकंड लाइन में भी जीरो है जीरो आ जाएगा, थर्ड लाइन में भी जीरो है जीरो आ जाएगा, फोर्थ लाइन में जीरो में थ्री प्लस करेंगे थ्री, जीरो में टू प्लस करेंगे टू, जीरो में वन प्लस करेंगे वन, जीरो में वन प्लस करेंगे वन, जीरो में टू प्लस करेंगे टू और थ्री का थ्री। अब हमारे पास वैल्यू फर्स्ट पहले वैल्यू थी हमारे पास 321,123। अब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 321,123,000। ये अब हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह डिविजन्स के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब आपको डिवीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई, इनको 10 से डिवाइड करना है। नंबर ए 347,080, नंबर बी 238,200, नंबर सी 194,210। इन थ्री वैल्यूज़ को हमने 10 पे डिवाइड करना है। पहले नंबर ए करेंगे, फिर बी, फिर सी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। इसका पार्ट है 347,080। इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए आप ये देखें, ये आपको साइन नज़र आ रहा है सिंबल्स का, इस तरह का सिंबल्स बनता है। साइड पे आप रफ कॉलम भी बनाएंगे ताकि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें। नंबर वन उसके ये देखिएगा, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हम राइट इधर लेफ्ट साइड पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इस तरह के सिंबल्स बनाएंगे और जो डिवीजन के हमारे पास वैल्यू है, यानी जो ऊपर होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर जो होता है वो हमारा इधर सिंबल के अंदर जाता है और न्यूमिनेटर बाहर आता है। देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो इसकी सिंबल के अंदर आता है और डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आता है। हमारा डिनोमिनेटर है 10 है, यानी जिससे 10 से हमने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। यहाँ पे तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी गई है, वरना बहुत सारी जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक है तो 10 बाहर आएगा और ये बड़ी वैल्यू जो हमारी है यानी न्यूमिनेटर जो है वो हमारा अंदर आएगा। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे अब हमने 10 को यानी इस वैल्यू को 10 पे डिवाइड करना, तो 10 बाहर है तो 10 का टेबल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो बाहर वैल्यू हमारे पास है टू डिजिट की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए आप, तो अंदर हम लेंगे थ्री डिजिट की वैल्यू, एक डिजिट एक्स्ट्रा करके लेंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आए। मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह आंसर भी ठीक आता है। जब ये 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो इसी तरह वैल्यूज़ को अंदर यानी डिजिट को थ्री डिजिट को लिया जाता है। अगर बाहर टू डिजिट हैं तो अंदर थ्री लिया जाएगा, अगर बाहर थ्री है तो अंदर फोर लिया जाएगा। अब 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे, अंदर हमारे पास हमने थ्री डिजिट ले लिए तो हमारे पास आ गया 347। अब हमने 10 का टेबल इतना पढ़ना है, या तो 347 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए रफ कॉलम में हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है, 10 को 34 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0 4 0 0 3 0। वन साइन मल्टीप्लिकेशन का शो करेंगे, 1 4 4, 1 3 3। अब दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 0 का 0 आ गया, 0 में 4 प्लस किया 4 और 3 का 3, तो आंसर आया हमारे पास 340। यानी 10 को हमने 34 से मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वहाँ पे ऊपर कोटिएंट यानी लिखते जाएंगे, और जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया 347 के नीचे 340 लिख दिया। अब जब अगर वैल्यू इक्वल हो या उससे थोड़ी कम हो तो डिवीजन के रूल के अंदर हम
जिस तरह एडिशन के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करते थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सेवन के में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो सेवन ही आएगा, फोर में से फोर माइनस करेंगे ज़ीरो, और थ्री में से थ्री माइनस करेंगे ज़ीरो। या तो आप ज़ीरो लिख दीजिए या फिर या कट का निशान भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब ये हमने ऊपर भी थ्री डिजिट लिए थे, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास थ्री डिजिट और हैं, तो उनमें से टू डिजिट और ले लेंगे। ज़ीरो ले लिया और एट ले लिया हमने। अब हमें चाहिए टेन का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 708 आ जाए या उससे कम आ जाए। यहाँ पे देखिए रफ़ कॉलम में हमने रफ़ वर्क के अंदर 10 को 70 से मल्टीप्लाई कराया है ताकि हमारा आंसर आ जाए। 00 0 0 0 7 0 मल्टीप्लीकेशन का साइन शो करेंगे सेकेंड लाइन में, 100 0 1 7 7। अब दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, इधर ज़ीरो के नीचे ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे सेवन है सेवन आ जाएगा। आंसर आया हमारा 700। तो हमने 10 को किस से मल्टीप्लाई करा है, 10 70s are 700। ऊपर हमारे पास वैल्यू बनी थी 708। अब इसमें से दोबारा माइनस कराएंगे, 8 में से 0 माइनस किए 8 आ गए, 0 में से 0 माइनस किए 0, और 7 में से 7 माइनस किए 0। यहाँ पे 0 लिख दीजिए तब भी ठीक है, अगर कट लगाते तब भी ठीक है। लास्ट में हमारे पास ऊपर एक वैल्यू बची थी 0, यहाँ पे 8 के साथ हमने इधर 0 ऐड कर दिए। अब हम 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 80 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो सिंपल से बात है, 10 8s are 80, 10 का टेबल 8 टाइम हमने पढ़ा तो 80 आ गया, और ये इसका पास हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे पास आंसर आया है 34,708। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है, ए वाले का। इसी तरह क्लास देखिए नंबर बी है 238,200, यानी आप अगर इसे लोकल लैंग्वेज में देंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे लोकल लैंग्वेज में बनता है यानी 238,200, और उर्दू में अगर देखें तो 238,200। अब इसको हमने डिवाइड करना है 10 पे। इसी तरह इस वैल्यू को भी हम सैंपल के अंदर रखेंगे और 10 बाहर आएगा। अब हम अंदर बाहर हमारे पास टू डिजिट्स हैं तो अंदर हम थ्री डिजिट्स ले लेंगे। यहाँ पे देखिए थ्री डिजिट्स बनने 238। अब 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 238 आ जाए या उससे थोड़ा कम आ जाए। यहाँ पे देखिए हमने रफ़ कॉलम यहाँ पे रफ़ वर्क किया हुआ है। अब हमने 10 को यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करा के देखा है कि इसमें क्या आंसर आता है, 0 3 0 0 0 2 0 0। पहले आप 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, इसलिए हमने 23 से मल्टीप्लाई कराया ताकि 230 आ जाए। वो किस तरह, ये देखिए वन टाइम मल्टीप्लीकेशन हो गई तो वन साइन शो करेंगे, 1 3 3 1 2 2, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 0 के नीचे 0 आ गया, 0 में 3 प्लस करेंगे 3 और 2 का 2, आंसर आया 230। 10 को यानी 23 से मल्टीप्लाई कराया तो 230 आ गया, 23 ऊपर लिखेंगे और 230 नीचे। अब इसी तरह इसमें भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 में से 0 माइनस किए 8, और 3 में से 3 माइनस किए 0, 2 में से 2 माइनस किए 0। तो यहाँ पे अगर कट लगाना चाहें कट भी लगा सकते हैं, 0 लिखना चाहें 0 भी लिख सकते हैं। 8 लिख दिया अब हमने। इसी तरह हमने 3 वैल्यूज़ लेने के लिए ऊपर से 2 वैल्यूज़ और ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे और 0 भी ले लेंगे। ठीक है, अब हम 8 का टेबल जितना पढ़ेंगे कि 820 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अब हमने यहाँ पे दोबारा रफ़ कॉलम में गए और यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किए। 10 को हमने मल्टीप्लाई कराया 82 से, ये देखिए 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0, वन टाइम मल्टीप्लिकेशन होगी, साइन आ गया, 1 2 2 1 8 8। अब दोनों वैल्यूज़ का ऐड कर देंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं था, 0 आ गया, 0 में 2 प्लस किया 2 और 8 का 8, 82 से मल्टीप्लाई कराने का बताया 820। 10 को हमने 82 से मल्टीप्लाई कराया, 820 आ गया, तो तीनों की पूरी वैल्यू कट हो गई। लास्ट में हमारे पास बचा था 0, वो भी हमने नीचे ले लिया। तब 10 का टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम, 10 0s are 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास ऊपर आंसर अब हमारे पास आया है, जो हमारा कोटेंट है यही हमारा आंसर है, 23,820। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सी देखिए, 194,210, इसको डिवाइड करना है 10 पे। इसी तरह इस वैल्यू को भी हम सैंपल के अंदर रखेंगे और 10 बाहर आएगा। अब हमने यहाँ पे भी थ्री डिजिट्स ले लिए 194। अब 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 194 आ जाए या से तो कम आ जाए।
यहाँ पे हमने रफ कॉलम में देखिए राइट साइड पे 10 को 19 से मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पे 0 0 9 0 0 1 0 1 टाइम साइन शो करेंगे मल्टीप्लीकेशन का 1 9 0 9 1 1 0 1। अब दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 0 के नीचे 0, 0 में 9 प्लस के 9, 1 का 1 190। जी स्टूडेंट्स, हमने 10 को 19 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आया 190, तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर था 194। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 194 आ जाए, सर थोड़ी सी कम वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 को हमने 19 से मल्टीप्लाई कराया, 190 आया। अब हम इसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 में से 0 माइनस किए 4, 9 में से 9 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए ये छोटा सा, बिल्कुल एक्स का निशान लगा दीजिए तो भी ठीक है। अब ऊपर भी हमने 3 डिजिट लिए थे, इसी तरह यहाँ पे भी 3 डिजिट लेने के लिए ऊपर वाली वैल्यूज में 210 लिखा हुआ, यहाँ से हम 2 भी ले लेंगे और 1 भी ले लेंगे, 0 को रहने देंगे, सिर्फ 2 और 1 लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 421। आप 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 421 आ जाए या उससे कम वैल्यू आ जाए। यहाँ पे अभी देखिए आप रफ कॉलम में, यहाँ पे हमने 10 को 42 से मल्टीप्लाई कराया, 0 2 0 0 4 0, 1 साइन शो करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर सेकंड लाइन में, 1 2 2 1 4 4। अब दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 0 के नीचे 0 आ गया, 0 में 2 प्लस के 2 और 4 का 4। 10 को 42 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आया 420, रिक्वायरमेंट हमारे पास थी 421। तो 10 का टेबल हमने यहाँ पे लिखेंगे, 10 को हमने 42 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 420। इसी तरह दोबारा सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 में से 0 माइनस किए 1, 2 में से 2 माइनस किए 0, 4 में से 4 माइनस किए 0, यहाँ पे एक्स का निशान आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास लास्ट में बचा हुआ था, पहले यहाँ पे 1 आ गया, अब लास्ट में हमारे पास 0 था, वो 0 भी हम नीचे ले लेंगे, यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी 10। अब 10 का टेबल इतना बढ़ेगा 10 आ जाए, ऑब्वियसली सी बात है कि 10 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 0 में से 0 माइनस हुए, 1 में से 1 माइनस हुए, तो आंसर हमारे पास ऊपर कोटिएंट बचा है, हमारे पास जो आंसर है 19421। इसी तरह हम डिवीजन के 100 वाले क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब इन नंबर्स को 100 से डिवाइड करना है। नंबर ए 18,400, नंबर बी 780,000, नंबर सी 132,700। इन तीनों वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। इसका पार्ट है 18,400, इसको डिवाइड करेंगे हम 100 में। इसी तरह ये हमारा न्यूमरेटर है और 100 हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक वैल्यू हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है कि इन तीनों वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 18,400 हमने वैल्यू यहाँ पे सिंबल के अंदर रख दिया और 100 जो है बाहर आ गया। दूसरा हमने बाहर यहाँ पे देखी, उस 10 में ली थी हमने 2 डिजिट्स थे तो अंदर हमने 3 लिए, यहाँ पे 3 है तो अंदर हम 4 डिजिट्स लेंगे, यानी 1,840 हम डिजिट ले लेंगे। अब हम 100 का टेबल पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास वैल्यू आ जाए 1,840 या उससे थोड़ी सी कम। यहाँ पे हमने रफ वर्क किया है, 100 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखा, यहाँ पे हमने 8 0 0 8 0 0 8 1 0 8, 1 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो गई, साइन शो करवा दिया, 1 0 0 1 0 0 1 1 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 0 का 0, सेकंड में 0 में भी 0, इसी तरह 8 में 0 प्लस करेंगे 8 और 1 का 1, तो हमारे पास 18 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया था, हमारे पास आंसर आया 1,800, ठीक है। तो हमें रिक्वायरमेंट थी 1,840 की, यहाँ पे भी हम 40 तो नहीं आ सका, लेकिन उससे थोड़ी कम वैल्यू आई है, इसी तरह हम रख सकते हैं, लेकिन बड़ी नहीं आनी चाहिए हमारे पास वैल्यू, या तो जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आए या से थोड़ी सी कम आए। तो हमने 100 को 18 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 1,800। अब 0 में से 0 माइनस किए 0, 4 में से 0 माइनस किए 4, 8 में से 8 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 1, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड पे दोनों जीरोस बच रहे थे, यहाँ पे हमने एक्स का साइन शो कर दिया, तो यहाँ पे 40 हुआ था। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक और जीरो बचा हुआ था, वो भी हमने 40 के साथ ऐड कर दिया, ये हो गया 400।
अब हमें चाहिए 400। अब हम 100 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 400 की वैल्यू आ जाए। 100 4 ज़ार 400, यहाँ पे नीचे 400 आ गया। इसी तरह इसमें भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 में से 0 माइनस के 0, 0 में से 0 माइनस के 0, 4 में से 4 माइनस के 0, तो हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। तो हमारा आंसर आया 184। इसी तरह हम पार्ट बी भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी है हमारे पास, क्वेश्चन है 780,000, इसको डिवाइड करना है हमने 100 पे। इसी तरह सिंबल के अंदर बड़ी वैल्यू रखी और 100 बाहर रखा हमने, तो बाहर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, अंदर हम लेंगे 4 डिजिट, यानी 7,800 ये वैल्यू हम ले लेंगे। ये इतनी वैल्यू हम 7800 यानी 7,800 की वैल्यू ले लेंगे। अब हम 100 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 7,800 आ जाए या से छोटी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हमने रफ वर्क के अंदर 100 को मल्टीप्लाई कराया 78 से, 80,000। पहले आप 10 से कराएंगे तो सा वो आएगा 100 को, यानी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1,000 आएगा, 2 से कराएंगे तो 2,000 आएगा, इसी तरह 7 तक कराएंगे तो 7,000 आएगा। हमें चाहिए 7,800, तो हमने साथ 7 के साथ 8 लगा दिए, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए 0 8 0 0 8 0 0 और 8 1 8, 1 साइन शो करेंगे मल्टीप्लिकेशन का सेकंड लाइन में। इसी तरह 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, 7 0 0 0 7 0 0 7 1 7, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 0 के नीचे 0 है 0 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 के नीचे 0 0 आ जाएगा। 8 में 0 प्लस किए 8 ही रहेगा, और 7 का 7, आंसर आया 7,800, यानी पूरा एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमें रिक्वायर थी। अब हमने यहाँ पे शो करवाना है कि हमने 100 को 78 से मल्टीप्लाई कराया था, हमारे पास आंसर आया है 7,800। तो लास्ट में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बच गए। अब एक पहला ज़ीरो हम यहाँ पे उतारेंगे, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आगे, मल्टीप्लाई माइनस कराया तो 0 ही बचा। इसी तरह सेकंड ज़ीरो को भी नीचे उतारेंगे, 100 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे भी आ गया 0। डिवीज़न कम्प्लीट हुई और हमारे पास ऊपर आंसर आया है 7,800, ये हमारा बी का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट सी है 132,700, ठीक है 132,700 ये वैल्यू हमें दी गई है, इसको भी 100 से डिवाइड करना है। ये भी सिंबल के अंदर रखी और 100 बाहर आ गया। अब 100 का टेबल हमने इतना पढ़ना है, यानी बाहर 3 डिजिट्स हैं तो अंदर हम लेंगे 4 डिजिट्स, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1,327। तो हम 100 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 1,327 आ जाए या उससे कम आ जाए। 100 को मैंने अभी आपसे कहा कि 100 को 1 से करेंगे तो 100 आएगा, 2 से करेंगे 200 आएगा, 10 से करेंगे तो 1,000 आएगा, इसी तरह 11 से करेंगे तो और आगे, यानी 1100 आएगा, 12 से करेंगे 1200 आएगा। यहाँ पे हमने 13 से किया है क्योंकि हमें वैल्यू दी गई थी 1327, यानी 1327। तो या तो 1327 आ जाए या उससे थोड़ी कम आ जाए। तो हमने 13 से मल्टीप्लाई किया है, 3 ज़ीरो ज़ीरो 3 ज़ीरो ज़ीरो 3 1 3 1 टाइम साइन, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो शो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ज़ीरो ज़ीरो 1 ज़ीरो ज़ीरो 1 1 ज़ीरो 1, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 0 0 0 में 0 प्लस किए 0 0 में 0 प्लस किए 0, और 3 का 3 और 1 का 1, 3 में 0 प्लस किए 3 और 1 का 1, हमारे पास आंसर आया 1,300। यहाँ पे हमने शो करवा दिया कि 100 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया है 1,300। अब 1,327 में से 1,300 को माइनस करेंगे, यानी 7 में से 0 माइनस किए 7, 2 में से 0 माइनस किए 2, 3 में से 3 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0, तो ये तो साइड पे कट हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज़ तो कट हो गई, हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पे 27। अब हमारे पास ऊपर 2 वैल्यूज़ बची हुई थी, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे, वो हमने वो भी 2 ज़ीरोज़ एक साथ ले लिए। अगर एक एक करके लेना चाहे तब भी ले सकते हैं, यहाँ पे 270 आ जाएगा हमने, फिर 100 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, तो फिर बाद में 100 का टेबल 7 टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट इसी तरह ले लिया, अगर आप सिंगल सिंगल करना स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब भी ठीक है, इसी तरह करेंगे तब भी ठीक है।
अब हमारे पास वैल्यू बनी है 2700। अब हम 100 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 2700 आ जाए। अभी हमने इसको 13 से किया था तो 1300 आया था, जब हम 2 से करेंगे तो 200 आएगा, 20 से करेंगे तो 2000 आएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे 20 से हट के यहाँ पे 27 ले लिया क्योंकि हमें चाहिए 2700। तो 100 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0 7 0 0 7 1 7 मल्टीप्लीकेशन का साइन शो करेंगे, 2 0 0 2 0 0 2 1 2 दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 0 के नीचे से कुछ नहीं है, 0 0 के 0 में 0 प्लस के 0, 7 में 0 प्लस के 7 और 2 का 2। तो 100 को 27 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 2700। वो हमने यहाँ पे लिख दिया और पर शो करवा दिया कि 100 को हमने 27 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आया। फिर हम पूरी वैल्यूज को माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस के 0, 0 में से 0 माइनस के 0, 7 में से 7 माइनस के 0, 2 में से 2 माइनस किए 0। तो हमारी मल्टीप्लीकेशन कम्प्लीट हुई, पर हमारे पास आंसर आया 1327। अब हमारी डिवीजन भी 100 वाली कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1000 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद बाकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन्स के क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।